हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पोको का अपडेट ट्रैकर। गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चलिए गाइस, वीडियो में पहला डिवाइस वो है पोको F1, जिसको जो है अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है MIUI 12.5 का, और ना ही कोई अपडेट इसको मिलने वाला है। और आगे है इंडिया के डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर पोको X2 इंडिया, पोको F3 GT के लिए एक अपडेट रिलीज़ हुआ है 12.5.5.0 का अपडेट। ये तो एक नया डिवाइस है जिसके अंदर पहले से ही MIUI 12.5 है, और एक पोको X2 जिसके लिए जो है रिसेंटली एक अपडेट रिलीज़ हुआ है 12.5.3.0 का, 199 MB का साइज़ है। और पोको X3 इंडिया को MIUI 12.5.2.0 का अपडेट मिल चुका है, और पोको X3 प्रो को भी जो है MIUI 12.5.4.0 का अपडेट मिल चुका है। यहाँ बात करेगा इस पोको M2 की, और यहाँ पर बात करेगा इस पोको M2 की, तो इसको जो है MIUI 12.5 के साथ एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुका है, तो आप जो है अपडेट कर सकते हो। और पोको M2 Pro इंडिया की बात करें तो इसके लिए कोई भी अपडेट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है MIUI 12.5 का, तो अभी काफ़ी जल्दी जो है शायद से इसको अपडेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ तक। और बात करें पोको M3 के लिए, तो ग्लोबल में और इंडोनेशिया सर्वर में काफ़ी सारे जगहों पे जो है MIUI 12.5 के साथ एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो रिलीज़ हो चुका है, और इंडिया में भी काफ़ी जल्दी अपडेट आने वाला है। पोको M3 Pro के लिए कोई भी MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। और एक डिवाइस है गाइस जो कि है पोको C3, इसके लिए ना ही एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया और ना ही MIUI 12.5 का अपडेट आया, तो काफ़ी जल्दी जो है इसको शायद से अपडेट मिल सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट भी लग सकता है। तो देखते हैं कब तक इसको अपडेट मिलता है। अगर कोई न्यूज़ आता है तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अगर आपको पोको M2 Pro, पोको M3 और पोको C3 वगैरह का कोई न्यूज़ चाहिए तो मैं चैनल कमेंट में बता देना, वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो गाइस यही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।